नमन भारत माता को और नमन इस पर जन्मे महापुरुषों को। दोस्तों, आज जो गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है माता जगरानी की। आप में से कितने लोगों ने माता जगरानी का नाम सुना है? जिन्होंने सुना है वो कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन थी, और जिन्होंने नहीं सुना वो इस गाथा को पूरी सुने। सांझ की बेला में दुआर बुहारती जगरानी के आसपास जब लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी तो अशुभ की आशंका से उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने सर उठाकर कुछ लोगों का मुंह निहारा, सबके मुखड़े जैसे रो रहे थे। एकाएक सन्न हो उठे कलेजों को थामकर उन्होंने पूछा, क्या चंदू को पुलिस ने पकड़ लिया? कहीं से कोई उत्तर नहीं। जगरानी जैसे कांप उठी, उनके मुंह से आ फूटी, तो चंदू की प्रतिज्ञा टूट गई। पीछे से किसी उत्साहित युवक ने कहा, नहीं माँ, चंदू भैया की प्रतिज्ञा तोड़ दे, इतनी सामर्थ्य तो यमराज में भी नहीं है। जगरानी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उस युवक की ओर देखा जिसने आज उन्हें माँ कहा था। उनके हाथ से कूंची छूट गई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तो क्या? युवक ने रोते हुए कहा, चंदू भैया अमर हो गए माँ। प्रयाग में जब पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो वो देर तक अकेले ही लड़ते रहे। जब अंत में उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली माँ। अंग्रेजों की गोली तो उन्हें छू भी नहीं पाई थी। जगरानी ने अपना बेटा खो दिया था। वो जैसे जड़ हो गई थी, आंखों से धार बहने लगी थी। भरती हुई भीड़ चुपचाप मुंह निहार रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उनके स्वर फूटे, तो चंदू की देख रह गई। युवक ने उत्साहित होकर कहा, चंदू भैया के मरने के आधे घंटे बाद तक कोई सिपाही उनके पास जाने का साहस न कर सका माँ। युवक ने उन्हें ढाढ़स देने के लिए कहा, लोग कह रहे हैं कि प्रयाग के पार्क में जितनी भीड़ थी उतनी आज तक कभी नहीं हुई होगी माँ। पूरा देश चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे लगा रहा था माँ। चकरानी भूमि पर पसर गई थी। दूर स्तब्ध से खड़े लोग कुछ क्षण के बाद उनके निकट आने लगे। महिलाओं ने रोती माँ को ढाढ़स देने का प्रयास किया। अचानक रोती जगरानी के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान फैल उठी। उन्होंने अजीब से गर्व के साथ कहा, ऐसी टेक तो भीष्म ने भी ना निभाई थी। भीड़ जैसे उत्साह से उबल पड़ी थी। हमारा चंदू राजा था काकी, राजा। ऐसी मृत्यु कहाँ किसी को मिलती है। विश्व के सभी बलिदानियों का सिरमौर बन गया है। जगरानी ने उसी अजीब स्वर में कहा, मैं जीवन भर सोचती रही कि मुझ दरिद्र का नाम जगरानी क्यों है। आज वो सच में मुझे जगरानी बनाकर चला गया। कुछ पल बाद उन्होंने पूछा, किसी ने चंदू का शव देखा? उत्तर मिला, नहीं, अज्जू भैया की देह पुलिस उठाकर ले गई। पर देखने वाले बता रहे थे कि उनके मुख पर वही सदैव सी मुस्कान फैली हुई थी। लगता था जैसे मुंह छुमेट कर मुस्कुरा रहे हों। बूढ़ी फफक पड़ी। मुस्कुराएगा क्यों नहीं, वो चाहता था वह तो उसने कर ही लिया। पर माँ, पुलिस हमें चंदू भैया का शव नहीं देगी। लोग जलूस निकाल रहे हैं पर पुलिस नहीं मानेगी। ईश्वर ने हमें अंतिम बार देखने भी नहीं दिया माँ। जगरानी में जाने कहां का बल, कहां का संतोष आ गया था। बोली, अरे जाने दे, वो हमारा था ही कहां। उसकी माँ तो यह धरती थी, उसने तो देखा ना उसे अंतिम बार। उसी की गोद में तो ना उसने अंतिम सांस ली। भले मेरा बेटा छिन गया पर उसे तो उसकी माँ मिल गई। जाने दे, जाने दे। भीड़ खड़ी थी पर सन्नाटा पसरा था। कुछ लोगों ने उत्साह में नारे भी लगाए लेकिन माँ निःशब्द पड़ी थी। किसी ने एक लंबी आह भरकर बोला, आजाद जैसे वीर ऐसी ही माओं की कोख से जन्मते हैं।
एक आजाद बनाने के लिए जाने कितनी बार ईश्वर सर पटकता होगा। तो ये दास्तां थी जिसको हमारे लेखक परिवार के मिस्टर मुकेश तिवारी जी ने संग्रहित किया है। और अगर नरेंद्र कुमार गर्ग जी की लाइनें सुने तो कहते हैं वो, सृष्टि के शिखरों का शीर्ष शिखर जगरानी नंदन शेखर था, ब्रिटिश महारानी का आसन थर्राने वाला शेखर था, अचूक निशाने की गोली से गोरों की सांसें थम जाती थीं और आजाद सिंह के सिंहनाद से नसें खून की जम जाती थीं। प्रयागराज आजाद पार्क का अंबर गूंज रहा है और कृतज्ञ राष्ट्र उस माटी को चूम चूम कर पूज रहा है। आजादी के आजाद परिंदे स्वाधीन राष्ट्र के ध्रुव तारे, उन मुक्त गगन के उदीयमान दिलों में धड़को सदा हमारे। नमन चंद्रशेखर आजाद को। तो दोस्तों, अगर आपको ये रचना पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हो सके तो शेयर भी करें, और ऐसी गाथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और सुनते रहें गाथाएं। और अंत में एक बार फिर गर्व कीजिए चंद्रशेखर आजाद पर, गर्व कीजिए माता जगरानी पर, और गर्व कीजिए अपने आप पर, क्योंकि आप भी तो इसी देश की संतान हैं। नमस्कार, धन्यवाद।